हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चैताली। आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको अपडेट दूंगी। मेरे जो वीडियो नंबर 40 है, उनमें ये प्लांट कैसे ग्रो किया जा सकता है दिखाई हूँ। शायद आप लोग देखे हैं वो वीडियो, और जो लोग नहीं देखे हैं कि कैसे प्लांट को ग्रो करना है, प्लांट को क्या खाद देना है और कैसे लगाना है, वो लोग ज़रूर देख लीजिए। और देखने के बाद इस तरह से प्लांट लगाइए और बहुत सारा ब्यूटीफुल फ्लावर पाइए। और मेरे इन कामों में हेल्प किए थे मेरे बेटे अर्ची ने। उसने प्लांट को पॉट में लगाए और मैंने वीडियो की थी। तो ये है वो सारी प्लांट जिनमें अब फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो देखिए उन्हीं प्लांट में कैसे फ्लावरिंग हो रही है। डॉग फ्लावर प्लांट है और इसकी कलर देखिए कितनी अच्छी है। ये है और ये पॉट में है, इसीलिए थोड़े हाइट में शॉर्ट और थोड़े कम बुशी हुए हैं। और ये है गैजेनिया की प्लांट, ये भी बहुत दिनों से फ्लावरिंग कर रही है। और ये गैजेनिया की और एक वैरायटी जो देखने में पूरे सनफ्लावर की तरह लगते हैं। और ये देखिए, ये जो फ्लावरिंग हो चुके हैं उसमें सीड बन गए हैं। आप लोग अगर सीड ना चाहते हैं तो फ्लावरिंग होने के बाद इसको कट कर दीजिए। ये रहे गुलदाउदी की प्लांट, इसकी फ्लावरिंग बहुत दिनों तक हो रही है। मैंने वीडियो नहीं बना पाई इतने दिन। ये देखिए, ये पहले वाइट होते हैं, उसके बाद जितने दिन जाते हैं ये थोड़ा पिंक में आ जाते हैं। और ये और एक एस्टर की प्लांट यहाँ पर एक है, उस साइड में और एक प्लांट है, मैं दिखाती हूँ। इसका कलर देखिए कितनी अच्छी आई है, बहुत अच्छे लगते हैं। एक छोटे से बेबी प्लांट लगाने के बाद कुछ दिनों बाद इस तरह की बहुत सारे फ्लावरिंग पाना और रोज़ रोज़ इतनी सुंदर फ्लावर देखना बहुत अच्छे लगते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ आप लोग सब लोग गार्डनिंग कीजिए, छोटे छोटे प्लांट लगाइए और बड़े होके ये सारी प्लांट आप सबको बहुत सारी फ्लावरिंग करेगी और मन बहुत खुश हो जाएगा। मेरा मन तो बहुत ही खुश है इतनी सारी फ्लावरिंग देख के। ये देखिए, ये कॉस्मोस की प्लांट। इस प्लांट को मैंने तब नहीं लगाई, उसके बाद में लगाई थी। और ये बहुत बड़े हो चुके हैं, इसकी फ्लावरिंग भी जब ख़त्म हो जाए तब ऐसे प्लांट से हटा दीजिए। अगर आप सीड नहीं चाहते हैं तो उस मुरझाए हुए फ्लावर को कट कर दीजिए। ये देखिए, ये और एक एस्टर की प्लांट जिसकी कलर पर्पल है। दो पिंक लगाई थी और एक पर्पल, ये तीनों में ही फ्लावरिंग हो रही है। और ये और एक गुलदाउदी की प्लांट, इसमें भी बहुत सारे फ्लावरिंग हुए थे। ये देखिए, मैंने इसके मुरझाए हुए फ्लावर को कट कर दिए है क्योंकि मुझे सीड नहीं चाहिए इसीलिए।
और ये और एक गुलदाउदी की प्लांट। यही सब प्लांट लगाई थी, उसकी लगाने की तरीका बताई थी मैंने 40 नंबर वीडियो में। तो जो लोग नहीं देखे हैं प्लीज़ वो वीडियो देखिए। और ये रही और एक एस्टर की प्लांट, इसमें भी पिंक कलर की एस्टर है। ये भी देखिए कितने सारे हुए हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। उस दिन एक काकी माँ जो मेरे नेबर है उसने बोली कि दूर से तुम्हारी गार्डन कितनी अच्छी लगती है, मैं देखती हूँ और ये सारा फ्लावर बहुत अच्छी लगती है देखने में। ये जब बताई तब मैं तो बहुत ही खुश हो गई। मैंने कहा दूर से क्यों, आप पास ही चलिए मेरे गार्डन को देखिए तो और भी अच्छे लगेगा। और यहाँ पर भी कॉस्मोस की कुछ प्लांट है, इनमें भी बहुत सारा फ्लावर ब्लूमिंग हुई है, बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए और इस साइड में भी कुछ कॉस्मोस की प्लांट है। ये देखिए इसमें अभी भी फ्लावरिंग नहीं हुए हैं, उसमें आ जाएगी बर्ड्स दो एक दिनों में। और इसमें अभी बर्ड हुए हैं, अभी तक फ्लावरिंग नहीं हुए हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई कमेंट्स हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स भी कीजिएगा। थैंक यू।